हेलो, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। उसके स्वाध्याय के प्रश्न कुछ बाकी है जो आज हम देख ले। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी के कौन कौन से विचार व्यक्त किए? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था, भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आप कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्य का भी भार डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली। इस स्वतंत्रता का उपाय हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता से दुरुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे? शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के वो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे थे। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे के उसका क्या रहस्य है? क्यों शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहे और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं? शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ था। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब ही वह साधारण ही बने रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही गहरी जानकारी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक मानती थी। शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? शास्त्री जी के कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। शास्त्री जी का जीवन दर्शन किस का प्रतिरूप था? शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रतिरूप था। बाइबल की कौन सी युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती थी? बाइबल की यही युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती थी, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण था कि हमेशा आत्मसंयम से ही काम लेते थे और अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों से अधिक महत्व देते थे। शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? शास्त्री जी का जीवन संदेश कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण। ये तुम्हारे साथ के प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिख देना। ओके, थैंक यू।